हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक के ऊपर। ये 2017 मॉडल है और चलो आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मैं करने वाला हूँ। हाँ जी, तो आप जो ये अभी यहाँ पे ऐसे निशान देख रहे हो ना, ये वाटर मार्क्स की वाटर की वजह से, पानी की वजह से ओवर द टाइम हमारा जो बुलेट का साइड कवर होता है इस पर आ जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा वो शाइन है। वो शाइन इसलिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे डीजल से अच्छे से रब किया था विद अ स्क्रबर, और जिसको बर्तन साफ करने का हम जूना भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से मैंने रब किया था, तो थोड़ा बहुत तो साफ़ हुआ था। पर आज इसको अच्छे से क्लियर साफ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम से खड़ी थी। तो मैंने रिसेंटली इसको ऑयल वगैरह करा, और ये भी देख सकते हो हेड वगैरह पे ऑयल वगैरह के निशान, और साइलेंसर पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा किया था, पर साइलेंसर आज अच्छे से चमकाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर रस्टिंग है जैसे कि। और ये आप निशान देख सकते हो यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे मतलब जंग वगैरह था। ये जो स्पॉट्स देख रहे हो आप हल्के हल्के, ये भी जंग के स्पॉट्स थे। मैंने इन सबको सबसे पहले एक बारी तो जूने के मतलब डीजल और जूने के वजह से अगर रब किया था। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे बने हुए हैं, तो आज इन सबको पूरी तरह से हटाएंगे और इसको एकदम ओके बनाएंगे बाइक को, ठीक है। ऐसा ही उस तरफ भी है, ये देख सकते हो गए, यहाँ पे भी ऐसा आपको रबिंग के निशान दिख रहे होंगे कि स्क्रबिंग हो रखी है अच्छे से। तो ये उसी जूने की मदद से मैंने लाई थी, तो अभी इसको और अच्छे से आज शाइन लेके आएंगे हम लोग। जैसे कि ये वाले क्रोम पार्ट हैं, इन पे भी है थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी साफ़ करेंगे। जैसे कि ये पीछे वाला इंडिकेटर है, ये भी साफ़ करेंगे। और आगे वाले देख रहे हो काफ़ी हद तक साफ़ दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन पर थोड़ा सा डीजल मार के साफ़ किया था। प्राइम को प्रॉपरली चमकाया जाएगा एकदम अच्छे से, और थोड़ा सा मीटर पे भी है, हल्का सा मीटर को भी साफ़ करेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो आज थोड़ा सा इसकी शाइनिंग एंड पॉलिशिंग का काम होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो ये कुछ सामान है जो हम यूज़ करने वाले हैं। एक ब्रश, एक कटोरी लाया हूँ मैं, और थोड़ा डिश वॉश लेके आया हूँ, और उसमें पानी है सफाई करने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं इसकी मदद से। हाँ जी, तो मैंने दिख रहा है कटोरी में, हाँ दिख रहा होगा, मैंने हल्का सा इसमें डिश वॉश लिक्विड डाला है और थोड़ा सा पानी मिलाया है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पानी और मिला लूँ, पर देखते हैं। और मैं डिश वॉश लिक्विड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटी ग्रीस है। ये हमारे ऑयल या फिर ग्रीसी जो निशान होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से हटाता है। तो पहले इसको एक बार अच्छे से डीग्रीस करेंगे बाइक को, फिर इसको पूरा पॉलिशिंग करेंगे। हाँ जी, तो अभी देख सकते हो काफ़ी हद तक मतलब यहाँ पे ग्रीडी ऑयल से ग्रीसिंग वगैरह के निशान बने हुए थे, काफ़ी हद तक हमने हटाए हैं। और इसको भी अभी भी पानी से अच्छे से साफ़ किया है वॉश करने के बाद, ये छेदों में से भी अच्छे से किया है, ये देखो ठीक है। और अभी इसको थोड़ा सूखने देंगे, तब तक मैं उस साइड काम कर लेता हूँ ताकि वो भी साफ़ हो जाए। जब ये सूख जाएगी अच्छे से इसको पोंछ के, फिर इसकी पॉलिशिंग एंड रबिंग स्टार्ट करेंगे ताकि ये सारा कलर एकदम
बिल्कुल क्रोमी फिनिश में शाइन करता हुआ दिखे। हाँ जी, तो इधर भी देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक ऐसे काले काले निशान हैं ऑयल और डर्ट की वजह से, तो इनको भी थोड़ा यहाँ साफ़ करेंगे। और एक बारी आप देख रहे हो कि हल्की यहाँ से भी और मिट्टी, जैसे कि यहाँ पे अंदर निशान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं हाड़ वाले, इनको भी साफ़ करेंगे अच्छे से। यार क्या करें, यहाँ पे डे टाइम में ऐसे ही आवाज़ आएंगी बार बार। तो एक बार सारा अच्छे से पानी से वॉश करके, मतलब डिग्री से सारा ग्रीस व्रीस इस पे से हटा के, चलो पहले इसको अच्छे से साफ करते हैं सारे पार्ट को, इधर से ऊपर से भी। हाँ जी भाई, तो काफ़ी हद तक हमने सफाई करी अच्छे से, पर देख सकते हो अभी भी अंदर से काफ़ी गंदा है, तो मैं ब्रश से जितना कर पाया। हाँ तो भाई, आप लोगों में जो ये बंदा बुल्ट रखता है, अगर किसी को पता है कि जो ये फिन्स होते हैं हमारे, इनको अंदर से कैसे अच्छे से क्लीन करा जाए ताकि ये ऐसे बाहर की तरह ऐसे शाइन करें, तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना, क्योंकि मैं इनको भी अच्छे से साफ़ करना चाहूँगा बहुत अच्छे से। तब भी पानी मार के इसको अच्छे से साफ़ किया है, जो भी धूल मिट्टी और ग्रीसी पन इस पर चिपका हुआ था वो सारा हमने उतार दिया है, और अभी इसको ज़रा वाइप करके पूछ देंगे सारे को, उसके बाद इसकी पॉलिशिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, दिख गया मैं। हाँ जी, तो अभी मैंने बाइक दोनों तरफ से अच्छे से डिग्रीस कर दी है और पानी से सारा जो हमारा वॉशिंग लिक्विड था वो भी साफ कर दिया है। तो अभी ज़रा सारा जो जितना भी पानी उसमें बचा है सारा टीशर्ट रोल की मदद से मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ, सुखा देते हैं अच्छे से, फिर पॉलिशिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पॉलिशिंग जो होती है वो सूखे सतह पे होती है, मतलब बिल्कुल ड्राई सरफेस पे हम मॉइस्चर के साथ पॉलिशिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। खाली कटोरी और ये मेरा थोड़ा सा निकल पाउडर है, तो मैं थोड़ा सा निकल पाउडर डाल लेता हूँ। तो पूरी पे लगाना है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल लिया, अब दिख भी नहीं रहा है इतना वाइट है, फोकस नहीं लगा कोई नहीं। तो ये है थोड़ा सा डीजल, तो सब लोग अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, कोई कैरोसिन में यूज़ करता है, कोई पेट्रोल में यूज़ करता है, तो मैं डीजल में यूज़ कर रहा हूँ इसको। ऑयल में यूज़ करने से ये होता है कि ऑयल सरफेस को एक थोड़ा सा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है अच्छे से, और निकल पाउडर इतना बारीक होता है कि वो इतनी अच्छे से सरफेस को रब करता है कि अंदर की जो शाइन होती है ना, जो ऊपर जितना भी डस्ट गंद कुछ भी होता है वो सारा उतर जाता है और अंदर की शाइन बाहर निकल के आती है। और निकल पाउडर भाई जो भी अच्छा था, मतलब जो भी लोग स्पेशल बुल्ट का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट रखते हैं, सबके पास निकल पाउडर अवेलेबल रहता है, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं एक दूसरा ब्रश ले रहा हूँ, पूरी ऑलमोस्ट अ ब्रांड न्यू ब्रश है, और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इसको वेस्ट कर दिया था, मतलब घर में एक्स्ट्रा नहीं पड़ा था, एक सफाई के लिए होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि निकल पाउडर देखो अब दिख रहा होगा सब, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो अब दिख रहा है ना, कलर्स का बदल गया, क्योंकि पहले तो निकल पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लो डीजल के साथ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मिक्सर थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, थोड़ा सा वो निकल पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगता है निकल पाउडर एक्चुअली में, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा निकल पाउडर और ऐड कर लूँ। तो ये हमारा निकल पाउडर का मिक्स बना है, और अभी हम इसको यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। आओ भाई स्टार्ट करते हैं लगाना, थोड़ा बहुत नहीं है एक्चुअली में, काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फैलाना पड़ेगा हमें अच्छे से। और आपको मतलब आपको इसको जहाँ जहाँ पे पॉलिश करना है इसको सिर्फ वहाँ लगाना, एक्स्ट्रा मेटल पार्ट्स में मत लगाना, क्योंकि भाई ये थोड़ा बहुत तो मेटल को रब करता ही है।
ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे लगाया है, अभी इसको अच्छे से घिसना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और अगर तुम्हें स्टिल लगे कि निकल, मतलब तुम्हारा जो मिश्रण है बहुत पतला है, जैसे कि मुझे अभी भी लग रहा है, तो भाई तुम इसमें थोड़ा सा और पाउडर ऐड कर लेना, ठीक है, मैं भी करने वाला हूँ अभी भी। तो इसको करके मिलता हूँ आपको, और ज़रा टाइम लैप्स में देखो तुम लोग। आप सब लोग देख सकते हो ये काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब ये देखो मैं थोड़ा सा मिट्टी लग गई है वैसे तो बाइक पे, थोड़ा सा अगर हाथ मारूं तो आप सबको दिख रहा होगा कि काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है बाइक पे, मतलब। और मैं जैसे हाथ लगा रहा हूँ तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसको रब करने के बाद है ना, तो मतलब शाइन तो ब्रश से शाइन इतनी ज़्यादा नहीं आई, हाँ, पर एक चीज़ हुई है कि जो मेटल है वो बहुत स्मूथ हो गया है, मतलब जैसी सरफेस पहले वाटर मार्क से जैसे रफ़ थी ना, अब वो रफ़ नहीं रही, अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो अभी मैं दूसरी साइड करूँगा, और दूसरी साइड करने का तरीका मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारी अदर साइड है, और आप सब देख सकते हो कि कहीं शाइन ज़्यादा है, कहीं पे डार्क ज़्यादा है, यहाँ पे शाइन ज़्यादा है, डार्क ज़्यादा है। तो आज इसी अनइवन जो ये बना हुआ है इसको साफ़ करेंगे हम, अच्छे शाइन करेंगे इसको। और ये वाला जो एरिया है इसे मैंने ना तो पहले डीजल से साफ़ किया था, और ना अभी पॉलिश वॉलिश निकल पॉलिश मारी है इसमें, तो इसकी जो सरफेस है अभी बहुत ज़्यादा रफ़ है, आपको दिख ही रहा होगा रफ दिखने में, तो जब इससे पहली बार लगेगा तो ये भी सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। इसको मैंने पहले सिर्फ डीजल और जो अपने बर्तन साफ़ करने का जूना आता है उससे किया था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो अभी ज़रा निकल मारते हैं इस पर और देखते हैं इसकी शाइन कैसी आती है। हाँ जी, तो आप सब देख सकते हैं मेरे कपड़े बदल चुके हैं पिछले शॉट के हिसाब से, तो ये दो तीन दिन हो गए होंगे आई थिंक, जब मैंने लास्ट टाइम इस पर काम किया था बोल्ट पे, तो उस टाइम मेरे को जरा फ़ोन आ गया था, मेरे को एजेंसी में जाना पड़ा था, मैंने बाइक साइड कर ली थी ऑलरेडी। तो मैंने याद होगा आपको ब्रश की वजह से निकल पाउडर से एक साइड से साफ किया था, और फिर हम जो दूसरी साइड है लेफ्ट साइड है वहाँ पे करेंगे आज। तो आज मैं दूसरा मेथड ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रश से इतना शाइनिंग नहीं आने वाली है, तो आज मैं दूसरा मेथड ट्राई करूँगा, और दो अगर अच्छी क्लियरिंग अगर सफाई अच्छी हुई मतलब शाइन आई, तो हम दूसरी साइड में जब पैदा पहली वाली साइड पे उसी तरीके से पूरा दोबारा अच्छे से करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा जो पिछली बारी का निकल मिक्सर है वो है, इसमें मैंने डीजल मारा था निकल के, थोड़ा डीजल मतलब वेपोरेट हो गया है थोड़ा, तो मैं हल्का सा दोबारा स्प्रे कर रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं हल्का डीजल मार के इसको दोबारा हल्का सा लिक्विड फॉर्म कर लिया। तो आज मैं जो यूज करने वाला हूँ स्कॉच ब्राइट का जो हमारा चूना रहता है वो हरे वाला, और उससे हम इसकी रबिंग करेंगे और देखते हैं कि ये कितना शाइन करेगा उसके बाद।
हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हो हमारी कटोरी हो गई पूरी तरह से खाली और हमारे साइड चैम्बर का हाल अभी कुछ ऐसा है। तो ये अभी मतलब ऑयल और उसकी वजह से जो ब्लैक पार्टिकल गंदा जो इस पे कोल्ड रस्टिंग वगैरह हो रही थी उसकी वजह से ब्लैक हो रखा है। अब सबसे पहले हम इसको टिश्यू से साफ़ करेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा मारेंगे अच्छे से और फिर देखते हैं कितना फ़र्क आया है। हाँ जी, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा शाइन तो दिख रही होगी, पर एक्चुअली में यहाँ पर शाइन अभी नीचे थोड़ी कम है और ऊपर ज़्यादा है, और अभी इस पर कपड़ा भी मारना बचा है, मैंने सिर्फ अभी टिश्यू साफ़ करा है। तो टिश्यू के बाद अभी भी इस पर थोड़ा सा निशान है, देखो जहाँ पे दिख रहा होगा मैंने उंगली लगाई है तो अलग से दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है, और यहाँ पर इसलिए डार्क है अभी भी क्योंकि वहाँ पर मेरा हाथ जा नहीं रहा था, वो गियर लीवर के पीछे की चीज़ है, तो या तो मुझे गियर लीवर निकालना पड़ता और मैं गियर लीवर निकाल सकता था, पर मैंने टूल नहीं थे, अभी मैंने टूल ऊपर रखे थे। तो एक बार इस पर कपड़े से और बफिंग करते हैं, हल्का सा कपड़ा मारते हैं, अच्छे से घुमाते हैं और फिर देखते हैं कि शाइन कितनी अच्छी आई है निकल के। हाँ जी, तो अभी कपड़ा लग चुका है इसके बाद अच्छे से, और भाई डेफिनेटली मतलब शाइन तो इंक्रीज़ हुई है और निशान भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मिट गए हैं। मतलब इसमें अभी भी देखो हल्की हल्की ब्लैकिंग है, पर भाई ये तो मतलब अभी पहली बार लगा है और मैंने हाथ से मारा है तो इतना वो नहीं हुआ, और होने के बाद वॉश होने के बाद अच्छे से निकलेगा। तो मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ, ऊपर वाले में देखो कितना फ़र्क पड़ा है। मतलब यहाँ देखो जैसे मेरा हाथ लगा तो यहाँ पर शाइन अलग आ गई, यहाँ पे हाथ अच्छे से नहीं लग रहा था शाइन नहीं आई है, ऊपर भी शाइन अच्छे से आ गई है। तो ऐसा है कि इसको जितना अच्छे ज़्यादा मार रहे हैं वहाँ अच्छी अच्छी शाइन आ रही है। वैसे ये वाला पीस था तो ये अब ये जो पीस है ये बिल्कुल ही ख़राब हो रखा था, अब इसको देखो ज़रा, तुम इसको देखो, इसका तो कलर पूरा बढ़िया आ गया ना। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो, बुल्ट के जो हमारे साइड पार्ट्स और क्रोम पार्ट्स हैं उनको वापस से शाइन में और स्मूथ करने के ऊपर। तो जो निकल है वो निकल पाउडर है वो बहुत अच्छा वर्क करता है आपके पार्ट है, मतलब वाटर मास्क जैसे खुरदरे हो रखे हों या रस्टिंग जैसे खुरदरे हो रखे हों या फिर एग्जॉस्ट पे जंग वगैरह हो, तो निकल और डीजल को मिक्स करके एक अच्छा मिश्रण बनता है। आप इस पर अच्छे से रब कर सकते हैं और सारे जो रस्टिंग है जो हमारे वाटर मास्क हैं जो हार्श लगता है रफ लगती है सब एकदम स्मूथ आउट हो जाती है, एकदम स्मूथ फील होती है, चिकनी फील होती है एक तरह से। तो ये थी हमारी वीडियो बुल्ट के ऊपर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इस तरह की और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई फ्यूचर में अगर किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए वो भी क्रिएट कर दूँगा। तब तक के लिए आपको बाय बाय।